मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी एंड मैंने सोच लिया था दैट नो आई डोंट वॉन्ट टू डू यूट्यूब. सो आई वॉज अगेन लाइक शैटर्ड, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो गई थी कि अब मैं क्या करूँ. एंड उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि मैंने फिर ना वापस से छोड़ दिया था. 3 महीने के लिए मैंने यूट्यूब अगेन छोड़ दिया. टाइम के साथ ना यूट्यूब अपने आप आपको आगे भेजेगा, अपने आप आपकी ग्रोथ करेगा, इतना विश्वास मैं आपको दिला सकती हूँ. सो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा मैसेज है मेरे सारे फेलो यूट्यूबर्स के लिए. हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, वाचिंग ईच एंड एवरी वीडियो ऑन माय चैनल. आई एम सो हैप्पी टुडे बिकॉज आई हैव रिसीव माय फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट एंड क्रेडिट गोज टू यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड एक्सेप्टिंग मी एज अ यूट्यूबर. सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी यूट्यूब की जर्नी, क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस करी, कैसे मैंने चैनल को स्टार्ट किया एंड कितनी पेमेंट मुझे रिसीव हुई है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी. सो या ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम पहले ही आ जाती, बट एक्चुअली फैमिली में कुछ इशू हो गया था एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने 13 डेज तक कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी. सो जो पहली पेमेंट है वो मुझे रिसीव हो गई थी 25 फेब को. सो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गैप है. सो डू ग्रैब समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो. सो गाइज, मैं इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा रॉ एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखने वाली हूँ एंड मेरी जो पूरी जर्नी रही वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक दिस वीडियो एंड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो लेट मी टेल यू दैट माई फुल नेम इज़ अनुष्का शर्मा एंड बाई प्रोफेशन आई एम अ स्टूडेंट. राइट नाउ आई एम परस्यूइंग माई MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग. यूट्यूब इज़ समथिंग विच आई डू एज अ हॉबी, इट इज़ नॉट माई मेन प्रोफेशन. सो I started my YouTube channel जब मैं मेरे MBA के फर्स्ट सेम में थी, फर्स्ट ईयर में. एंड जब भी आप एक स्टूडेंट होते हो ना, आप में से जो भी स्टूडेंट होंगे वो इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि आप हर दिन बिजी नहीं रहते हो. आप ओकेजनली पढ़ाई करते हो, जब भी आपके एग्जाम्स आती है तब आप पढ़ाई करते हो एंड सेम चीज़ मेरे साथ भी थी. सो बाकी का टाइम मैं फ्री थी, आई वॉज नॉट डूइंग एनी थिंग. सो आई वॉन्टेड टू बी प्रोडक्टिव बिकॉज जो मेरे ग्रेजुएशन के 3 साल थे ना, उसमें मैंने बहुत इन्जॉयमेंट कर लिया था. घूमना फिरना, मतलब दिन दिन भर बाहर रहना, मैंने ये सब कुछ कर लिया था. एंड जब तक मैं MBA में आई ना, मैं चाहती थी कि मैं कुछ करूं एंड मैं प्रोडक्टिव रहूं. सो मैंने बहुत रिसर्च करी कि मैं क्या ऐसा कर सकती हूं जो मुझे सूट करे एंड जो मैं कर पाऊं इजीली एंड मेरा MBA भी उससे अफेक्ट ना हो. देन मैंने यूट्यूब वीडियोस देखना चालू करे. मैं बहुत यूट्यूब वीडियोस देखती थी. मैं दिन के 50-50, 100-100 मतलब इतने वीडियोस देखती थी एंड मैं श्योर हो चुकी थी कि येस आई वॉन्टेड टू बी अ यूट्यूबर. मैं बहुत अच्छे से मैं श्योर हो गई थी दैट येस आई वॉन्ट टू डू यूट्यूब नाउ, क्योंकि आई लव कैमरा एंड जो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आई लव कैमरा. मेरी कैमरे के साथ एक बहुत ही अच्छी कंफर्ट जोन रही है शुरू से. एंड मुझे पता था, क्योंकि बचपन से एक एक्सट्रोवर्ट नेचर रहा है, तो पता था कि यूट्यूब तो मैं कर ही लूँगी, मुझे कभी भी इशू नहीं आने वाला. सो मैंने सोचा कि यार लेट्स डू इट. फिर मैंने चैनल बनाया. नाउ जब मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया तो उस टाइम पे जो ब्यूटी रिलेटेड, स्किन केयर रिलेटेड वीडियोज़, होम रेमेडीज़ रिलेटेड वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा चलती थी, तो मैंने भी उस तरीके की वीडियोज़ चैनल पे बनाना चालू करी. बट अनलकीली मुझे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आया उन वीडियोज़ पे एंड 3-4 महीने तक मैंने सिर्फ स्किन केयर रिलेटेड वीडियोज़ डाली थी एंड मुझे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आता था. पूरे दिन में 6 व्यूज़ आए तो आए. आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम जब मुझे पूरे दिन में सिर्फ 6 व्यूज़ आते थे. मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी एंड मैंने सोच लिया था दैट नो आई डोंट वॉन्ट टू डू यूट्यूब. देन उस टाइम पे जब मैंने कुछ टाइम तक वीडियोज़ नहीं डाले, तब मेरी मम्मा एंड मेरे भैया ने मुझे ये चीज़ बोली दैट यू नो तू चैनल रख, लेकिन जो तेरा कॉन्टेंट है वो चेंज कर. बहुत मोटिवेट किया उन लोगों ने मुझे एंड आई एम ट्रूली वेरी ग्रेटफुल टू हैव देम इन माई लाइफ. उन्हीं लोगों ने मुझे बोला कि तू बस चैनल रख, लेकिन तू कंटेंट चेंज कर दे. सो मैंने फिर प्रोडक्ट रिव्यूज़ डालना चालू करे. नाउ जब जैसे ही मैंने प्रोडक्ट रिव्यूज़ डालना चालू करे, मेरा ये वाला जो वीडियो है ADS की मैट लिपस्टिक का रिव्यू, ये मेरा वायरल हो गया एंड आई वॉज सो हैप्पी एट दैट टाइम. सो हैप्पी. नाउ आप सोच सकते हो जिस इंसान को पूरे दिन में 6 व्यूज़ आ रहे हैं, उस इंसान को पूरे दिन में 15,000 व्यूज़ आ जाएँ तो वो कितना ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा. एंड सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी. मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट
जनरेट हो गई थी इस वीडियो के कारण ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिले थे, मतलब मेरा 800 सब्सक्राइबर्स मेरे ऑलमोस्ट हो चुके थे। नाउ आप में से जिन्हें नहीं पता, अगर आपको यूट्यूब पर आना है, अगर आपको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, तो आपके दो थ्रेशोल्ड कंप्लीट होने चाहिए। पहला तो आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, एंड जो दूसरा है आपका 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो आपके पास होना चाहिए। ना आप सोच सकते हो 4000 घंटे किसको बोलते हैं। ये वीडियो मेरी वायरल ज़रूर हो गई थी, बट इससे मुझे 4000 घंटे नहीं मिले थे, बट स्टिल मैं मोटिवेट इतनी हो गई थी कि मैंने सोचा था कि अब कुछ भी हो, मैं और वीडियोज़ बना के मेरा थ्रेशोल्ड कंप्लीट कर लूँगी। देन मैंने और वीडियोस बनाए, मेरे एक वीडियो और वायरल हो गई, ये ब्रश वाली, एंड इससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले, तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स का जो थ्रेशोल्ड था वो कंप्लीट हो चुका था। बट अनलकीली मुझे मेरा जो वॉचास थे वो कंप्लीट नहीं हुए थे, एंड देन फिर कोरोना आ गया था। नाउ उस टाइम पर ना मैं हॉल्स भी काफ़ी ज़्यादा बना रही थी, एंड मैं प्रोडक्ट रिव्यूज़ करती थी, तो मेरे पार्सल ई कॉमर्स वेबसाइट से आते थे। तो अब कोरोना के कारण जो ई कॉमर्स वेबसाइट से वो भी बंद हो गई थी, सो आई वॉज अगेन लाइक शैटर्ड, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो गई थी कि अब मैं क्या करूं। एंड उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि मैंने फिर ना वापस से छोड़ दिया था, 3 महीने के लिए मैंने यूट्यूब अगेन छोड़ दिया था। आप अगर यहाँ देखोगे ना, तो आपको मेरी इस वीडियो एंड इस वीडियो में 3 महीने का गैप दिखेगा। ये वही गैप है कोरोना के टाइम का, जब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं पूरा पूरा दिन पबजी खेलती थी, एंड आई वॉज़ डूइंग नथिंग, आई वॉज़ नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल, मतलब मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही थी अपना। देन फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने ऐसे ही सोचा कि यार मैं अपना वॉच टाइम चेक करती हूँ, एंड मैं ऐसे ही शाम को बैठी हुई थी, तो मैंने अपना वॉच टाइम चेक किया, एंड सडनली मेरा वॉच टाइम 3500 हो गया था। सिर्फ 500 घंटे मुझे और चाहिए थे, एंड आई वॉज सो डैम हैप्पी। मुझे ऐसा लगा कि यार अगर मैं यहाँ तक आ सकती हूँ ना, तो मेरे लिए यहाँ भी जाना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड ये चीज़ मैं ना आप में से सभी लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जो सेल्फ बिलीफ होता है ना, वो आपकी लाइफ में आपको आगे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। एंड अगर आप ये जो लोगो देख रहे हो ना यहाँ पे, अगर आपको इसमें जाना है ना, तो आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। यूट्यूब इज़ इक्वल्स टू पेशेंस, यहाँ पे बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, एंड मैंने भी रखा। कभी कभार मैं डिस्टर्ब ज़रूर हुई, बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैंने अपने आप को जैसे तैसे मोटिवेटेड रखा। सो या जब मैंने वो वॉच टाइम देखा 3500 का, सो आई वॉज वेरी वेरी मोटिवेटेड, एंड मैंने सोचा कि नहीं, अब कुछ भी हो, अब वीडियोज़ बनाने हैं, एंड फटाफट इसको भी कंप्लीट करना है। तो जैसे ही लॉकडाउन खुला, ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट हुई, मैंने वीडियोज़ बनाने चालू करे। मैं पार्सल मंगवाती थी, उन्हें बहुत अच्छे से सैनिटाइज करती थी, दो दो दिन तक बाहर रखती थी, एंड देन फिर मैं वीडियोज़ बनाती थी हॉल्स के। सो अगेन मेरा जल्दी से मेरे 500 घंटे जो बचे थे वो भी पूरे हो गए, एंड फिर 4000 आवर्स का वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया। नाउ 13th ऑफ अक्टूबर को मेरा जो चैनल है वो यूट्यूब के पास गया था रिव्यू के लिए, एंड लकीली, पता नहीं, लोग बोलते हैं कि यूट्यूब एक एक महीना, दो दो महीना लेता है, 15-15 दिन लेता है चैनल को रिव्यू करने के लिए, एंड देन उसको अप्रूव करता है। बट यू गाइज वोंट बिलीव, यहाँ पे मैं अगर होगा तो मैं मेरा ईमेल इंसर्ट कर दूंगी, मुझे यूट्यूब ने विदिन 15 मिनट्स रिप्लाई करके मेरा जो चैनल है वो अप्रूव कर दिया था मोनेटाइजेशन के लिए, एंड आई एम ट्रूली वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आई एम रियली वेरी लक्की, गणपति जी की वजह से इतना सब कुछ हो पाया। सो 19 ऑफ अक्टूबर को मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो यूट्यूब के साथ वेरीफाई हुए। नाउ इन डॉक्यूमेंट्स में आपके सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट्स काम करते हैं, वो है पैन कार्ड एंड दूसरा है पासपोर्ट। आधार कार्ड यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं करता। सो मैंने अपना पासपोर्ट लगा दिया था, तो जल्दी से मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो वेरीफाई हो गए थे। एंड उसके बाद गूगल आपका एड्रेस वेरीफाई करता है, एंड उसके लिए आपको बाहर से एक पिन आता है, एंड वो जो पिन है ना, वो आपको अपने गूगल एडसेंस का जो अकाउंट है वहाँ पर आपको ये पिन उसमें डालना रहता है, एंड फिर आपका एड्रेस वेरीफाई होता है। सो मुझे पिन 5 नवंबर को रिसीव हो गया था, एंड जैसे ही मुझे पिन रिसीव हुआ, मैंने उसमें डाल दिया, तो मेरा जो एड्रेस था वो भी वेरीफाई हो गया था। नाउ ये प्रोसेस इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि यूट्यूब को वेरीफाई करना होता है कि यस, आप एक्चुअल में एक इंसान हो, एंड आप इंडिया की इस स्टेट में, इस सिटी में, इस कॉलोनी में या इस बिल्डिंग में रहते हो। तो ये जो पूरी वेरीफिकेशन की प्रोसेस है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है।
सो गाइज, उसके बाद जो सबसे बड़ा टास्क होता है वो होता है आपका $100 कंप्लीट करना. नाउ मेरे जो $100 थे वो बहुत ही इजीली कंप्लीट हो जाते हैं, बट एक्चुअल में आप में से जो लोग यूट्यूबर हैं वो इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे कि यूट्यूब आपकी स्टार्टिंग में अर्निंग कट करता है एक महीने की. सो मेरे साथ सेम चीज़ हुई थी जब मैंने नवंबर में ही मेरे $57 जो थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए थे. सो मेरी जो पेमेंट है वो मुझे जनवरी में ही आ जाती, बट यूट्यूब ने मेरे $57 कट कर लिए थे, इसीलिए जो मेरी पेमेंट थी वो एक महीना डिले हो गई. सो विद इन 3 months मैंने अपना $100 कंप्लीट कर लिए, वो बहुत ईजिली हो जाते हैं. सो जैसे ही मेरे $100 कंप्लीट हुए, मुझे मेरी जो पेमेंट है वो 21 February को वहाँ से रिलीज़ हो गई थी. एंड मुझे इस तरीके का यूट्यूब ने मेल भेजा था कि हमने आपकी जो पहली पेमेंट है वो रिलीज़ कर दी है. सो जैसे ही मैंने मेल देखा, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी. आई लिटरली आई कैन नॉट पुट इन टू वर्ड्स कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी उस टाइम पे. बिकॉज यार, आपका जब 1-1.5 साल की मेहनत जब आपको दिखती है ना, तो सीरियसली वो मोमेंट बहुत ही अलग होता है. एंड बस मैंने वो देखा, बहुत ज़्यादा खुश थी. देन 24-25 को मुझे बैंक की तरफ से आगे आके आपका पेमेंट रिसीव हो चुका है. सो गाइज, अब मैं फाइनली डिस्क्लोज कर रही हूँ कि मुझे कितना अमाउंट यूट्यूब ने भेजा है. सो ये वही अमाउंट है जो ऑलमोस्ट सभी यूट्यूबर्स को पहली पेमेंट मिलती है. ये जो स्पेसिफिक डॉलर हैं, ये जैसे ही टच होते हैं ना, यूट्यूब आपकी पेमेंट आपको भेज देता है. सो मुझे आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो कि कितने बेसिक डॉलर जो है वो आपको कंप्लीट करने होते हैं. मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था. सो $100 का जो जैसे ही मेरा थ्रेशोल्ड कंप्लीट हुआ ना, मुझे पेमेंट मिल गई. नाउ आप गूगल पे जाके कन्वर्ट करके देख सकते हो कि $100 कितने होते हैं. उतनी ही मुझे पेमेंट आई है. नाउ पहली पेमेंट सभी की कम होती है एंड धीरे धीरे ये इंक्रीज होती है. सो बस मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ एंड ग्रेटफुल हूँ दैट मुझे मेरी पेमेंट मिल गई. एंड इसका सबसे ज़्यादा थैंक यू आप सभी लोगों के लिए कि आपने मुझे कॉन्स्टेंट मोटिवेट किया, कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया. एंड आई एम ट्रूली वेरी ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू. सो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा मैसेज है मेरे सारे फेलो यूट्यूबर्स के लिए. सो अभी अगर आप एक बहुत बुरी स्पेस में हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे यार, मेरे को व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं क्या करूं, सो प्लीज़ आप अभी टेंशन मत लो. आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो, वो है आपका कंटेंट एंड अच्छी वीडियोस बनाना. आप जैसे ही लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, आप अच्छा कंटेंट बनाओगे लोगों के लिए, लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे, लोग आपके चैनल को पसंद करेंगे, लोग आपको भी पसंद करेंगे. बस आपको अच्छी वीडियोज़ बनानी है एंड मेहनत करते जाना है. बिकॉज देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता. एंड मैं इन सब जगह रह चुकी हूँ जहाँ पे आप अभी होना, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ना, व्यूज़ नहीं आना, मेरे साथ भी ये सब चीज़ें हो चुकी है. इसीलिए मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ कि टाइम कभी एक जैसा नहीं होता. आज अगर आपको व्यूज़ नहीं आ रहे ना, तो एक महीने बाद क्या पता आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाए एंड आपको बहुत सारे व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स आने लग जाए. तो होप पर दुनिया टिकी है एंड होप से ये दुनिया चल रही है. तो प्लीज़ आप एक होप रखो, आपके साथ सब अच्छा होगा. सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपकी कोई और क्वेरी है या अगर आपका कुछ और क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. अगर हो सका तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. एंड या इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड यू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.